हेलो माई सेल्फ सी ए संजय कुमार गोयल और मैं एक्सेल एजुकेशन इंस्टीट्यूट में डायरेक्टर एंड फैकल्टी मेंबर मैं बेसिकली यहाँ पर सी ए इंटर में टैक्सेशन इनकम टैक्स पढ़ाता हूँ तो आज इस वीडियो का पर्पस हमारा है कि जो सी ए इंटर नवंबर 23 का जो रिज़ल्ट आया है उसमें जो हमारे बच्चे यहाँ पर क्लियर हुए हैं तो उनमें हम तीन बच्चों को यहाँ पर आ, इन्वाइट किए हैं जो आपको इस्पेशली टैक्सेशन सब्जेक्ट में इनके नंबर जो हैं वो इतने अच्छे नंबर कैसे आए हैं और स्ट्रैटेजी इन्होंने क्या रखी तो उस पर हम बात करेंगे तो सबसे पहले मैं वेलकम करता हूं वैभव अग्रवाल को जिन्होंने इनकम टैक्सेशन टे, में 70 मार्क्स लिया वेलकम वैभव उसके बाद जो है आर्चिसा जो है आर्चिसा घर इन्होंने भी 70 मार्क्स टैक्सेशन में लाए हैं वेलकम आर्चिसा और थर्ड नंबर में हम मेरे बाजू में बैठी हैं कशिश जिन्होंने टैक्सेशन में इन्होंने भी सेवेंटी मार्क्स लाए हैं तो एक एक करके हम बात करने की कोशिश करते हैं कि इन्होंने इतने अच्छे मार्क्स कैसे टैक्स में क्योंकि टैक्स को जो है एक टफ सब्जेक्ट के रूप में थोड़ा सा लोग बोलते हैं कि टफ है ट्रिकी है समझ में नहीं आता तो उन्होंने क्या स्ट्रेटेजी अपनाई क्लास में टेस्ट में या फिर प्रिपरेशन ली में जिससे कि उन्होंने अच्छे नंबर अचीव किए हैं तो सबसे पहले मैं वैभव को माइक देना चाहूँगा वैभव आप बताइए क्या लगता है आपको ओवरऑल सर मेरे ख्याल से अब सब्जेक्ट के हिसाब से बात करें तो इनकम टैक्स में जितना ज़्यादा प्रैक्टिस और प्लस कॉन्सेप्ट क्लियरिटी वो होना चाहिए और रेगुलर टेस्ट देना चाहिए आप जैसे जो क्लास में बताते हैं जिस हिसाब से जिस सब्जेक्ट को पढ़ना चाहिए पी जी को जिस तरह से आप बताते हैं कि पढ़ना चाहिए उसको शॉर्ट समरी बना के जितना जल्दी अपन रिवाइज बनाना चाहिए समरी बना के रिवाइज कर सकें और टी को सर जैसे आप जिस तरीके से पढ़ने के लिए बताए थे हम लोग को ऐसे ऐसे याद करने के लिए वैसे याद करके गए थे सर तो बहुत हेल्प किया सर और पीएल को कैसे मैनेज किया आपने पीएल में मतलब कई बच्चे हमको बोलते हैं कि सर पढ़ाई बहुत अच्छी हुई क्लास हुई। बहुत अच्छी हुई पीएल में हमारा बहुत टाइम वेस्ट हो गया तो उसको कैसे ऑर्गेनाइज किया आपने जब तो पी में सर मेरे ख्याल से जितना ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम्स रिविजन और क्वेश्चन की प्रैक्टिस सर पीएल में क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं हो पाती लेकिन जितना ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस इनकम टैक्स में करेंगे उतना ज्यादा फायदा होता है सर तो अब मान लो आपने क्लास में तो दो क्वेश्चन बना लिया तो पी में तो पॉसिबल नहीं तो उसको कैसे करते हैं सिलेक्टेड सर क्लास में जो हम लोग नया है ये क्वेश्चन कुछ अलग टाइप का ये है ये आउट ऑफ लीक क्वेश्चन है, तो उसको बनाना चाहिए सर अच्छा मतलब क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेना चाहिए अपन को। आगे मैं कशिश से पूछना चाहूंगा कशिश आपको क्या लगता है बेटा क्या और स्ट्रेटेजी इस आपने इसमें ऐड करोगे टैक्स में मतलब ऐसा सब्जेक्ट है उसको डेली तो दो से तीन घंटा देना ही चाहिए प्लस पीएल पी एल में और मतलब जैसे रोज पढ़नी चाहिए एक बार प्रैक्टिस करके और एक बार प्रोविजन को एक दो बार रीड कर लेना चाहिए मैं दर्शकों को बता दूं कि कशिश ने ग्रुप वन अभी दिया है तो इनके पास एक ऑप्शन था कि वो ज्यादा ओवर्स दे सकते थे इसका मतलब यह कि जो ग्रुप वन में बच्चे हैं वो टेस्ट में एक्स्ट्रा टाइम क्योंकि उनके पास सेकंड हाफ खाली रहता है तो एक्स्ट्रा टाइम उनको देना चाहिए बहुत ग्रुप वालों की स्ट्रटिजी थोड़ी सी अलग रहेगी और क्या मतलब क्वेश्चंस बहुत प्रैक्टिस करने चाहिए Question जिससे हमको प्रैक्टिस तो करने से इजी बन जाते ग्रुप वन में मेरे चार सब्जेक्ट थे तो चारों को मैं टाइम देती थी प्लस टैक्स हाँ डेली चारों सब्जेक्ट और टैक्स को थोड़ा

क्या एग्जाम वाले दिन कुछ याद रखते हैं और टीडीएस के जो मेन पॉइंट्स थे उसकी संबंधी अर्ची साह आपका क्या एक्सपीरियंस रहा टैक्स में जो आपने इतने अच्छे मार्क्स लाए तो कैसे क्या स्टडीजी रही ओवरऑल शुरू से बताओ आप सर जैसे मैंने क्लास के दौरान ही क्वेश्चन थोड़े छोटे छाटने स्टार्ट कर दिए थे कि ये है जो मेरे को पी में ज़्यादा देखना है इनको ऐसा रहेगा और उन क्वेश्चन के अंदर भी ऐसा रहता है कि पूरा क्वेश्चन नॉर्मल है बस एक पॉइंट का रहता है कि इस क्वेश्चन में वही मेन पॉइंट है लाइक सैलरी like का अगर पूरा क्वेश्चन है उसमें हो सकता है कि एक एच ही मेन दिया है तो मैं उतना एरिया मार्क कर लेती थी कि पी में या अगर 1.5 डेज में अगर मैं कर रही में तो सिर्फ उतना देखू, पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ना पड़े देखो का ये जो है कई बार मैंने क्लास में बताया है जब आप किसी चैप्टर का पांच से सात क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं तो उसके बाद फिर जनरल क्वेश्चन वही रहता है एक दो नए पॉइंट रहते हैं तो इनका क्या स्ट्रेटेजी है, है कि उस क्वेश्चन के खास पॉइंट को अंडरलाइन कर लेना ताकि जो 1.5 डेज एग्जाम के जस्ट बिफोर आपको टाइम मिलता है उसमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को आप कवरेज कर सकते हैं तो ये बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी बताई है और मैं

तो सर उसमें जैसे जो फिफ्टीन मिनट्स का जो ब्रेक मिलता था ना तो थ्योरी सब्जेक्ट्स को मैं उसमें या तो एक रीडिंग ले लेती थी एटलीस्ट या घर जा के अगर कर रही हूँ तो एक थ्योरी को पूरी रीडिंग हो जाती थी और प्रैक्टिकल्स तो होमवर्क से हो जाते थे okay. और क्लास के दौरान मैं याद करने का कुछ ट्राई नहीं की थी ऐसा बस इतना था कि कंसेप्ट पूरे क्लियर करके चलूँ okay. याद पी में हो जाएगा और क्वेश्चंस को मैंने हर में ऐसे लिया था कि इतना तो क्वेश्चन है? अलग -अलग तो है। घबराते हैं कि टेक्स है, तो उसके लिए आपको ऐसा नहीं लगा कभी कि टफ लग रहा है या उसके लिए क्या करते थे क्लास में सर ये ना बस एक माइंड की बात है कि टफ है कि क्या अगर आप मन लगा के पढ़ना चाहो बताया था कि सीनियर्स बोलते थे टेक्स्ट तो है। मैंने भी जो सीनियर से सुना था कि ग्रुप वन में एक टैक्सी तेरे को डराएगा तो मैं स्टार्टिंग से उसमें थोड़ा फोकस भी ज्यादा की लेकिन एक चीज ये भी है कि जब मैं उसको थोड़ा सा टेंशन में पड़ती थी तो वो उतना नहीं होता था मतलब माइंड को फ्री करके कि हाँ सब्जेक्ट ही है आ जाएगा समझ तो उससे आने लगे लग थे और जो बाद के चैप्टर्स थे उसको मैंने थोड़ा सा ज़्यादा फोकस से पढ़ा पी जी पी पी कैपिटल तो वो अच्छे से बनने लगे लग थे और इनकम टैक्स में स्पेशली पूछो तो कौन सा चैप्टर को में ज़्यादा प्रॉब्लम गई आपको कौन सा चैप्टर ज़्यादा तंग किया सर जैसे

तो मैं जाके एक बार घर जाके पहले वो प्रोविजन देखती थी आज के पूरे रिकॉल की फिर आपने जो क्लास में क्वेश्चन कराया वो और फिर होमवर्क करती थी ओके तो मतलब पहले देख देख लिए लिए जो जो क्वेश्चन मैंने क्लास हाँ, में कराया वो फटाफट और फिर होमवर्क पे फिर काम किया हाँ, तो होमवर्क बनाने से भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है हाँ सर बढ़ता है और तो ये बच्चों को बताना है कि होमवर्क करना है ना होमवर्क तो रेगुलर करना हर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में करना चाहिए ताकि वो पूरा रिकॉल हो जाता है एक बार पूरी क्लास का और उसी से कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है प्रैक्टिस होती है स्पीड मेंटेन रहती है सो so फ्रेंड्स आपको इन्होंने सब ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और मैं स्पेशली बाकी आप लोगों के ग्रुप टू है उसके लिए आप लोगों को शुभकामनाएँ और आपके ऑल द बेस्ट और आपको सी ए फाइनल के लिए ऑल द बेस्ट ताकि आप जो चाहें वो मार्क्स लेके आए बल्कि मैं तो बोलूँगा कि आप फ़ाइनल में बिल्कुल रैंक की तैयारी कीजिए क्योंकि आपके मार्क्स में को दिख रहे हैं ओके थैंक्स फॉर कमिंग थैंक यू थैंक यू